गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर फोर, फोर का नेम है ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑड को हिंदी में अपन बोलते हैं विषम एंड इवन को बोलते हैं हम सम नंबर्स। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे सबसे पहले लर्निंग पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, रिकॉर्डिंग इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑड एंड इवन नंबर्स यानी सम एंड विषम संख्या। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे होंगे ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19, ये क्या है अपने ऑड नंबर्स। और इवन नंबर्स क्या हो गए अपने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है, अब ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स तो आपको पता हो गया कि क्या होता है। ऑड नंबर यानी 1, 3, 5, 7 वाले नंबर ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स यानी 2, 4, 6, 8, 10 वाले। ओके, अब अपन देखेंगे सम। मैक्स पेरिस एंड राइट इवन और ऑड नंबर्स। अब उसने फिश बना रखी है और अपन को बोला है कि बताना है कि ऑड है कि इवन है, तो अपन काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 का ही में आता है अपना, इवन नंबर्स में आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इवन लिख देंगे। ओके, ऐसे ही अपन देखेंगे, इसने दे रखी है अपन को 1, 2, 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3 नंबर अपने काई में आते हैं, ऑड नंबर्स में आते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऑड नंबर। ऐसे हम अपन नेक्स्ट देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गया अपना ऑड नंबर। नेक्स्ट में देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये क्या हो गया अपना इवन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे कितने डॉग्स दे रखे अपन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्या हो गया अपने, 7 का ही में आ गया अपना, ऑड में आ गया। एलिफेंट सिंगल है तो क्या है ये, ऑड नंबर। अब ये 2 है तो 2 का ही में आता है अपना, इवन नंबर्स में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, इवन नंबर्स। ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 का ही में आता है अपना, ऑड नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 काई में आता है अपना, इवन नंबर्स में, और 1, 2, 3, 4, 4 काई में आता है अपना, इवन नंबर में। ऐसे ही अपन आगे नेक्स्ट सम देखेंगे, तो चलिए आप देखेंगे, अंडरलाइन द ऑड नंबर एंड सर्कल द इवन नंबर। उसने बोला है कि ऑड नंबर्स पे आपको क्या करना है, अंडरलाइंस करना है, और इवन नंबर्स पे क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड थर्ड लाइन में तो मैंने कर दिया है, अब एक और पे मैं आपको करके बताऊंगी, 31 पे क्या जाएगा, अंडरलाइन, और 32 पे क्या जाएगा, सर्कल, 33 पे क्या जाएगा, अंडरलाइन, 34 पे क्या जाएगा, सर्कल, 35 पे क्या जाएगा, अंडरलाइन, 36 पे सर्कल, 37 पे अंडरलाइन, 38 पे सर्कल, 39 पे अंडरलाइन, 40 पे सर्कल। ठीक है, अब ऐसे अपन नेक्स्ट वाले देखेंगे, टिक द ऑड नंबर्स एंड क्रॉस द इवन नंबर्स। उसने बोला है कि जो आपको डिजिट दे रखी है वो देखना है ऑड नंबर है या इवन नंबर्स है, यानी ऑड नंबर्स हो तो राइट लगाना है, और यानी इवन नंबर्स हो तो रॉन्ग लगाना है, क्रॉस करना है। ठीक है, तो 31 क्या है अपना, ऑड नंबर, तो क्या जाएगा, राइट। 42 क्या है अपना, इवन नंबर, तो क्रॉस। 68 क्या है अपना, इवन नंबर, तो क्रॉस। 76 क्या है अपना, इवन नंबर्स, तो क्रॉस। 83 क्या है अपना, ऑड नंबर्स, तो राइट। 22 क्या है, इवन है के ऑड है, इवन नंबर्स। 11 क्या है अपना, ऑड नंबर्स। 39 क्या है अपना, ऑड नंबर्स। 54 इवन नंबर्स। 78 इवन नंबर्स। 10 क्या है अपना, इवन नंबर्स। 39, 76 इवन नंबर्स, 62 इवन नंबर्स, 91 ऑड नंबर्स। ठीक है।
राइट एट कॉन्स्टिटिव ऑड नंबर्स आफ्टर 37। उसने बोला है कि 37 के बाद ऑड नंबर्स लिखने, तो अपन लिखेंगे 37 के बाद क्या आएगा, 39, फिर 41, नेक्स्ट 43, नेक्स्ट 45, नेक्स्ट 47, नेक्स्ट 49, नेक्स्ट 51, नेक्स्ट 53। अब राइट एट कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर्स आफ्टर 52। उसने बोला 52 के बाद क्या लिखना है अपन को, इवन नंबर्स लिखने। तो 52 के बाद 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68। अब नेक्स्ट देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग, राइट ऑल द ऑड नंबर्स फ्रॉम 72 to 80। अब उसने बोला है 72 के बाद में 80 तक अपन को कौन से नंबर्स लिखने हैं, ऑड नंबर्स लिखने। तो 72 के बाद 73, 75, 77, 79। राइट ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 65 to 75। उसने बोला है कि इवन नंबर्स लिखने हैं 65 के बाद 75 तक, ठीक है। तो 65 के बाद 66, 67, 68, 60, 70, 72, 74। ओके, थैंक यू।